ACL सर्जरी के बाद किस तरीके से आप फीडबैक को ऐड करके एक्सरसाइजेस को करेक्ट वे में कर सकते हो और री इंजरी से बच सकते हो। हाय, आई एम डॉक्टर ध्रुवी गांधी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, टीम ऑर्थो स्पोर्ट्स थ्रेड्स फिजियो। ACL सर्जरी के बाद बहुत लोग एक्सरसाइजेस करने में स्ट्रगल करते हैं, एक्सरसाइजेस को करेक्ट वे में करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो कैसे आप फीडबैक की मदद से उसको करेक्ट कर सकते हो और इंजरी से बच सकते हो, वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। ACL इंजरी के बाद हमारी बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट की वजह से हम एसिमेट्रिकल मूवमेंट पैटर्न डेवलप करते हैं। तो जब भी हम ACL सर्जरी के बाद जब भी हम रिहैब शुरू करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बैलेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जनरली हम जब भी पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं तो हम दो तरह के फीडबैक यूज़ करते हैं। इंटरनल फीडबैक, जिसमें हम पेशेंट्स को कमांड देते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वाट करवा रहे हैं ACL सर्जरी के बाद, तो हम पेशेंट्स को ये कमांड देंगे, इंटरनल कमांड, कि आपको नी को टोके ओवर पुश करते हुए ये स्क्वाट को करना है। बट क्या पेशेंट वो समझ पाएगा? नहीं। फीडबैक की मदद से द मूवमेंट ऑफ रीट्रेनिंग, इट्स कॉल्ड द ऑटोमेटिसिटी ऑफ मूवमेंट, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है और पेशेंट बहुत अच्छे से बिना स्ट्रगल किए वो फीडबैक को अज्यूम करके वो एक्सरसाइजेस को करेक्ट वे में कर पाता है। तो विजुअल फीडबैक की मदद से कैसे आप एक्सरसाइजेस को और करेक्ट कर सकते हो, सो टुडे आई विल शेयर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फीडबैक विथ एक्सरसाइजेस। तो जब भी हम फीडबैक को ऐड करते हैं एक्सरसाइजेज में, तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट है, एसिमेट्रिकल मूवमेंट पैटर्न है, से फॉर एग्जांपल अगर सिट टू स्टैंड करवा रहे हैं तो पेशेंट्स का जो घुटना है वो वेलगस में जा रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को री इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ACL के। तो फीडबैक की मदद से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सर्जरी के रिलेटेड, स्पोर्ट्स इंजरी के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।